अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना कैसर शहजाद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो लोग आउट ऑफ कुवैत, इंडिया, पाकिस्तान या एशिया कंट्री में जो लोग स्टक हो गए हैं या वहां पे फंसे हुए हैं, वो लोग वापस आने से पहले कौन सी वैक्सीनेशन उनको लगवानी है। और दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीनेशन हुकूमत कुवैत ने बताई है, क्या वो वैक्सीनेशन वहाँ अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल तफसील जैसे जानेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और फेसबुक पे हमारा पेज डेली कुवैत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और तो दोस्तों, अहम अपडेट्स के साथ सबसे पहले, कुवैत ने 26 मई को एक फैसला दिया था कि जो वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है उसमें फाइजर बायोनेटिक वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। ये चार वैक्सीनेशन जो अप्रूव्ड हैं, ये अगर आप आउट ऑफ कोई से आ रहे हैं, एक्सपेक्ट हैं या आप सिटीजन हैं, आपको लगी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक वैक्सीनेशन नहीं लगी तो उसके लिए आपको क्या तरीका कर रहा है, ये मैं आपको वीडियो के मुकम्मल तफसील में लास्ट में बता दूंगा कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ली तो फिर आप कैसे आएंगे और क्या उसका तरीका कार होगा, उसके लिए मैं मुकम्मल अभी आपको वजाहत से बता दूंगा। सबसे पहले कि जो सिटीजन कुवैत ट्रेवल आउटसाइड कर रहे हैं उनको भी वैक्सीनेशन चाहिए, और जो कुवैत वापस आ रहे हैं फर्स्ट डिग्री रिलेशन, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन वगैरह, उनको भी वैक्सीनेशन चाहिए। और ये इफेक्टिवली सैटरडे 26 मई से जो एक सर्कल जाएगा वहां से इंप्लीमेंट किया गया है कि मुकम्मल तौर पे ये वैक्सीनेशन के लिए, अगर कुवैत में आप प्रेग्नेंट वूमेन, सिटीजन या कोई दूसरे भी है कुवैत वापस आ रहे हैं, तो उनको भी ये चाहिए। ऑल कैटेगरीज जो है, तमाम कैटेगरीज की वैक्सीनेशन वो इसमें रिक्वायर्ड है। अगर इंडिया में इंडियन वैक्सीनेशन या पाकिस्तान में साइनोवैक ये वैक्सीनेशन अप्रूव नहीं है तो इसलिए वो नहीं चलेगी। तो लिहाजा आपको ये अप्रूव वैक्सीनेशन ही लगाएं। अगर अभी उसका तरीका हल क्या है, अभी हुकूमत में गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है, इंडिया है या दूसरी कंट्रीज की हैं, उन्होंने इस वैक्सीन अप्रूव करवाने के लिए हुकूमत कोई से बात कर रहे हैं, तो वेरी सून इसका कोई हल निकल आएगा। अगर एक आदमी के पास वैक्सीनेशन नहीं लगी, वो अप्रूव नहीं है, तो वो क्या तरीका कार उसमें है जी, पहले उसको जब कुवैत वो आए उसको पीसीआर करना पड़ेगा इंडिया से या पाकिस्तान से। वो पीसीआर साथ लेके आए, आपको एयरपोर्ट पे जाएगा, फिर 3 दिन आप क्वारंटाइन करें, 3 दिन के बाद आपको फिर आपको पीसीआर करना पड़ेगा क्वारंटाइन के बाद। अगर आपका पीसीआर नेगेटिव है तो आप इजीली जा सकते हैं, अगर आप में कुछ उसमें कुछ बढ़ा है तो मजीद आपको क्वारंटाइन का पीरियड करना पड़ेगा और फिर पीसीआर करना पड़ेगा। और इसके साथ जो अहम बात है, आपने कुवैत मुसाफर एप्लीकेशन और श्लोनिक एप्लीकेशन में खुद को पहले से ही रजिस्टर करके रखना है ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए फायदा मंद होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और फेसबुक पे भी आप अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं डेली पेज कुवैत के बीच में। थैंक यू।